हेलो फ्रेंड, साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं ग्रुप डी में आए हुए केमिकल फार्मूला के बारे में, जो लगातार ग्रुप डी में आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है वो है वाशिंग सोडा का फार्मूला, जो है Na2CO3 10H2। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेकिंग सोडा का फार्मूला, जो है NaHCO3। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये ग्रुप डी में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंदूर का फार्मूला, जो होता है Pb3O4। नेक्स्ट हम देखते हैं लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है, N2O। इसका केमिकल नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं टीआर गैस का फार्मूला, जो होता है CCl2NO2। इसको हम कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। अब लाफिंग गैस और टीआर गैस, ये दोनों याद रखिए, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओलियम का फार्मूला, जो होता है H2S2O7। इस ओलियम से ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H8O7। नेक्स्ट हम देखते हैं टार्टरिक एसिड, जो इमली में पाया जाता है। उसका केमिकल फार्मूला होता है C4H6O6। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मिक एसिड, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। इसको हम कहते हैं मिथानोइक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला होता है CH2O2। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिटिक एसिड, जिसे जो विनेगर में पाया जाता है। लगभग 8 से 10% आपका विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। देखिए, यहाँ से फॉर्मिक एसिड है, इसका केमिकल फार्मूला इस तरह भी आ सकता है। इसका केमिकल फार्मूला आ सकता है आपका जैसे कि HCOOH, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला ऐसे भी आ सकता है HCOOH, उसका भी नाम होगा फॉर्मिक एसिड और इसका केमिकल नेम हो जाएगा मिथानोइक एसिड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क में, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हम जिस दही कहते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो मसल में है, मसल जब टायर्ड हो जाता है तब मसल में भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। इसका केमिकल नेम होता है 2-hydroxypropanoic acid। इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। ये ग्लूकोज का आधा होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है इसका जस्ट आधा, C3H6O3। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सालिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टोमेटो में पाया जाता है। ये रस्ट स्पॉट उठाने में काम आता है, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है HOOCCOOH। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि C2H2O4। अब देखते हैं C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोलिक एसिड के बारे में, जिसे हम फिनॉल भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H5OH। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ये इस स्लाइड में जितने भी नेम हैं वो बार बार ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl। इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4 2H2। और एक देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका होता है CaSO4 1/2H2। जिप्सम में 2H2 होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है 1/2H2O। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोर सॉल्ट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Fe(SO4)NH4)2SO4.6H2O। ये रहा मोर सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए सेक लाइम। सेक लाइम का फार्मूला होता है CaOH(2)। सेक लाइम को हम कहते हैं चूने का पानी और लाइम वाटर। और एक होता है क्विक लाइम, जिसका फार्मूला होता है CaO, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिया का फार्मूला। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया पहला वो कंपाउंड है, जो पहला वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट।
देखते हैं नेक्स्ट है विट्रियोल के बारे में, जो है ब्लू विट्रियोल हम किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट देखिए ग्रीन विट्रियोल हम किसको कहते हैं, FeSO4 7H2O, जिसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट। नेक्स्ट देखिए व्हाइट सल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला होता है ZnSO4 7H2O। देखिए ये दोनों में 7H2 होता है और कॉपर सल्फेट में जो होता है वो 5H2 होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम नीले तोते के नाम में भी जानते हैं, ये नीला तोता, ये हरा तोता और ये सफ़ेद तोता। जिंक सल्फेट होता है व्हाइट विट्रियोल का केमिकल नेम, इसे हम चाइनीज व्हाइट के नाम में भी जानते हैं। अगर आया चाइनीज व्हाइट क्या है तो आप बोल सकते हैं कि जिंक सल्फेट है और व्हाइट विट्रियोल को ही चाइनीज व्हाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, H2SO4 को, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। देखिए इस सभी विट्रियोल में SO4 जो है वो कॉमन है, इसलिए आप देख सकते हैं कि H2SO4 को क्या कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट जो है रूबी, रूबी का केमिकल नेम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला होता है Al2O3। ठीक है दोस्तों, इतना ही था आज के लिए। अगर नेक्स्ट डे में कुछ और केमिकल फार्मूला आता है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस।